उनका
राधा नित्य जन जो उनका भाव है प्रकाशित होता है, तो उनका रूप कैसा है? श्री रूप का जो मनोविष्ट प्रकाशक उनका प्राकृतिक रूप है। यहाँ श्री रूप रूप गोस्वामी जी का जो मनोविष्ट प्रकाश उन्होंने जगत में किया वो अप्राकृतिक रूप है। अब हम लोग प्रभुपाद जी की भाषा में ही हम लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि अप्राकृत और अध्योक्षज में क्या पार्थक्य है। भागवत में कहा गया है सावे पुरुषो परो धर्मो ऋतु भक्ति अध्योक्षज। तो ये अध्योक्षज के प्रति जो भक्ति है हमारे गुरुवर बताते हैं प्रभुपाद जी का ये भक्ति तो हमारे समस्त चार आचार्यों ने पहले से देके रखी थी अध्योक्षज भक्ति। तो उसकी गति कहां तक है? वैकुंठ ही उसमें अध्योक्षज भक्ति में क्या है? अर्चा अंतर्यामी व्यू वारा और वैभव। तो ये जो पांच है ये अध्योक्षज की भक्ति में ये जो साधक है उसकी जो शरणागति या सेवावृत्ति के अनुसार प्रकाशित होते हैं। और ये जो गति है जो अध्योक्षज भक्ति करते हैं हमारे चारों संसार में भी ये विचार है उनकी गति कहाँ तक है? उन लोगों की गति है केवल वैकुंठ के निम्न भाग तक। वैकुंठ में भी स्तर है तो उनके जो निम्न स्तर है अर्थ निम्न वहां तक ही उनकी गति है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जब आए तो अनर्कित चरण चिराग करुणावतीन करो जो वस्तु अर्थात वैकुंठ के आधे ऊपरी भाग में जो चित विलास विराजमान है जो भगवान की लीलाएं विराजमान है वो इस जगत में दी नहीं गई थी वो उन्होंने उस जगत में उन लीलाओं को प्रदान किया उस प्रकार की सेवाओं को प्रदान किया तो उसको प्राकृत जो कहलाती है वो प्राकृत है उसको इस जगत में प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया और प्रचार किया। प्रभुपाद जी का जो इसलिए कहा गया कि उन्होंने श्री रूप को मनोविष्ट को प्रकाशित करने वाला उनका अपराकृत रूप है। वैकुंठ में भी अपराकृत रूप जो उर्ध भाग का है वैकुंठ में उनके गुण कैसे हैं? जो गुण मंजरी है परिकाष्ठा को के रूप में उपयोगी उनके गुण हैं और उनकी लीला कैसे है? उनकी लीला राधा कुंड में स्वानंद सुखद कुंज के निकट उस जगत में महाप्रभु की जो ये संकीर्तन लीला है उसको प्रकाशित करने वाली उनकी महा उदार लीला है। तो इस प्रकार से राधा निज जन्म के रूप में उनका नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्रकाशित हुआ। उन्होंने जगत में किस प्रकार से इतना विशाल प्रचार किया हम लोगों ने देखा। हम लोग दक्षिण भारत में समय गए अपने पूर्व वैष्णव के साथ में तो हमने देखा कि रामानंदाचार्य के बहुत बड़े बड़े मंदिर बहुत बड़े बड़े मंदिर उन्होंने भी भक्ति का प्रचार किया उनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और मंदिरों में क्या अर्चन पूजन होता है ठाकुर सेवा होती है। किंतु वो पंचरात्रि विधि और जो भागवतीय विधि है प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर समन्वय किया जो गुड़िया मठ क्योंकि पंचरात्रि जो विधि है इसमें मठ मंदिरों का निर्माण अर्चन प्रधान है। अगर हम लोग क्योंकि जो बदजीव है वो सीधा भागवतीय विधि पे नहीं चल सकता उसको अपने संस्कार के अनुसार अपने अधिकार के अनुसार कुछ ना कुछ इंद्रियों से संबंधित कार्य चाहिए। मंदिर में कंस्ट्रक्शन हो रही है मंदिर के लिए फूल बगीचा या खेती में कार्य करना मंदिर में झाड़ू बुहारी करना ठाकुर जी की सेवा करना वस्त्र उनके सिल देना तो इस प्रकार की सेवाएं आवश्यक है क्योंकि बद्ध जीव जिस भूमिका से आ रहा है उसको सीधा उस स्थिति
स्थिति में ले जाना जहाँ पे राधा कृष्ण का जो भजन में सेवन है वो सफल पर नहीं होगा। उसका जो सफल में प्रभुपाद जी ने किया साधना की और साथ में भागवती में श्रवण कीर्तन और स्मरण की प्रधानता रखी। अगर ये नहीं होता अर्जुन देव जी मठ प्रकाशित नहीं होते तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए सीधा उस प्रकार से जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैन धर्म में बताया कि जिस प्रकार से भक्त लोग अपना वहाँ पे कुटिया बना के भजन करते थे हम लोगों के लिए संभव पर नहीं होता कि सीधा उस स्थिति तक पहुँच जाए। तो ये प्रभुपाद जी की अपार करुणा रही कि उन्होंने गोड़िया मठ की स्थापना करके मेरे जैसे अधम जीवों को आकर्षित किया इस अच्छा विधि के माध्यम से इस भागवती विधि को समझने। किंतु उन्होंने ये भी बात बोली कि अर्चन विधि में जो पंच विधि के विधान बाधाएं मठ मंदिर निर्माण में बाधाएं उनकी रक्षा करने में बाधाएं ठाकुर सेवा में अनेक प्रकार की बाधाएं आपको स्नान करके स्वच्छ होकर सब जाना पड़ेगा किंतु भगवान के शरण की संस्मरण में इस प्रकार की कोई विधि निषेध नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों चीजों का समन्वय करके निर्णय लिया कि जो चीज उन्होंने देनी थी उस चीज को भी उन्होंने दिया। तो यहाँ पे प्रधानता भागवतीय विधि की हमने अपने गुरुपाद पर अनुसरण किया कि भागवतीय विधि की प्रधानता है किंतु साथ में पंचरात्रि की विधि चलेगी। ये प्रभुपाद जी का बहुत अभूतपूर्व अवदान रहा इस जगत के लिए। उन्होंने यह भी बताया किस प्रकार से जो शिक्षा है ये जो उनकी शिक्षाओं में से है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में से जो पंचरात्रि की शिक्षा उसमें जो क्योंकि शिक्षा के बाद एक उसने उसका जन्म हुआ जन्मना जाए तो संस्कार द्विज है कुछ पे तो उसमें जो द्वितीय जन्म है द्विज वो क्या उसके लिए उन्होंने बताया कि वो वैरी भक्ति के अंतर्गत पंचरात्रि विधि में द्विज जन्म है युक्त वैराग्य के अनुसार उसमें आपको सेवा करनी पड़ेगी। किंतु जो राग मार्ग है उसमें द्विज दूसरा जन्म क्या है क्योंकि यदि प्रभुपाद जी विचार नहीं देते तो महाप्रभु का जो विचार है वो धीरे धीरे जगत से लुप्त हो जाता। तो राग मार्ग जो विचार है उसमें द्वितीय जन्म क्या है जब स्वरूप सिद्धि होती है तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि वही गोपी घर में जन्म के रूप में द्वितीय जन्म है राग मार्ग। तो इस प्रकार के जो उनके अभूतपूर्व विचार है जैसे कि अभी कीर्तन में सुना ना कि सुनिया सिद्धांत सार चित्ते लागे चमत्कार कुतार्किक दीते नहीं फाकी। तो ये जो उनके सिद्धांत का सार है उन्होंने जो इस जगत में अपने आचरण से शिक्षा प्रदान की नाम भजन की कृष्ण काम कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की जो उन्होंने इस जगत में प्रचार अपने आचरण के माध्यम से उसका प्रचार किया ये भी अभूतपूर्व है। सर्वप्रथम इस जगत में कृष्ण नाम का उन्होंने षट कोटि जग के रूप में अपने लोगों को मात्र शिक्षा नहीं दी कि हरि नाम करो अपने आचरण के माध्यम से शत कोटि नाम यज्ञ किया। ये एक आचार्य अपने आचरण के माध्यम आज उनकी उस जो नाम यज्ञ के प्रभाव से आज तक जो गोड़िया मठ का प्रचार हो रहा है उस नाम यज्ञ के प्रभाव से। फिर उन्होंने कृष्ण काम अपने आचरण के माध्यम से प्रचार किया कृष्ण काम के रूप में महाप्रभु की वाणी को जीवों के कल्याण के लिए प्रचारित करना। उसमें उन्होंने कितने ही उपायों को आविष्कृत किया किस प्रकार से जीवों को परमार्थिक प्रदर्शनियों के माध्यम से मठ मंदिरों की स्थापना के माध्यम से देश विदेश में अपने भक्तों को भेजने के माध्यम से। तो ये कृष्ण काम का और खुद उन्होंने 24 घंटे हरिकथा कीर्तन किया। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी प्रभुपाद जी ने हम लोग एक ग्रंथ है सरस्वती संलाप जो कि हमारे भागवत पुस्तिका में अनुवाद के रूप में आता है उन्होंने कहा था कि अति शीघ्र
ये प्रभुपाद जी के प्रकट के समय की बात है, अति शीघ्र ही 50,000 लोग आ रहे हैं जो इस महाप्रभु की वाणी का सर्वत्र प्रचार करेंगे। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी अपने समय में, और हमने देखा कि कुछ काल के बाद ही ऐसा संभव हुआ। तो क्योंकि किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी ये चीज बताइए कि पृथ्वी के आचे आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए वरदान, क्या ये वास्तव में जितने महाप्रभु ने कहा था? क्योंकि प्रभुपाद जी के समय तक तो सर्वत्र फैला नहीं था, भारत में भी सर्वत्र फैला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी ने बीच में जोड़ तो नहीं दिया, हम लोग तो इसको समझ नहीं पा रहे कि पृथ्वी के आचे आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार जो महाप्रभु ने इस वाणी को बोला है, किंतु हम इसको तो समझ नहीं पा रहे क्योंकि आज तक ये चीज हो नहीं सकी। प्रभुपाद जी ने कहा ये होगी, आप देखिए आने वाले समय में 50,000 लोग आ रहे हैं जो इस वाणी को प्रचार करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी स्वयं उस कृष्ण काम को साबित करने के लिए विदेश में जाना चाहते थे। उनके एक मित्र थे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी मित्रता थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उस समय, तो उनका विदेशों में कुछ जान पहचान रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं रोम में जाकर सर्वप्रथम विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि रोम क्रिश्चियन धर्म का एक मूल स्थान था। तो कहते क्या आप मेरा वहाँ उनके साथ अपॉइंटमेंट करा सकते हैं? प्रभुपाद जी की इच्छा थी विदेशों में कैसे प्रचार हो, महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो और कृष्ण काम साधित हो, ये उनकी इच्छा थी। किंतु कालक्रम से उनका जाना संभव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आश्रितजनों को सर्वप्रथम भक्ति हृदय बंद गोस्वामी महाराज जी को, भक्ति गोस्वामी महाराज जी को, और अंत में श्री भक्ति सिद्धांत भक्ति विदान स्वामी महाराज जी विदेश में जाके उस कार्य को पूर्ण किया। तो ये उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से दिखाया कृष्ण काम कैसे पूर्ण होता है, और कृष्ण धाम का अपने आचरण के माध्यम से कृष्ण धाम को उन्होंने प्रकाशित किया, उसकी सेवा की। चैतन्य मठ को प्रकाश करना, उसकी रक्षा करना, धाम में वास का जो सौभाग्य है उसको जीवों को देना, और धाम परिक्रमा के माध्यम से जीवों का जो उन्होंने कल्याण किया, भक्ति की जो इच्छा को पूर्ण किया, ये भी एक अभूतपूर्व अवदान विशिष्ट प्रभुपाद जी का। उनका जो हमारे परम गुरु देते हैं उनके संबंध में जो एक कीर्तन लिखा कहकर मैं विराम दूंगा, हम लोग महाराज से भी श्रवण करने के चलो। परम गुरुदेव ने हमारे प्रभुपाद जी के संबंध में एक कीर्तन लिखा, जाया जाय प्रभुपाद आरती में आ गई युवक मायापुर नित्य सेवा करे। तो इसको एक उनके नित्य परिकर परम गुरुदेव उन्होंने किस प्रकार से इसमें गूढ़ भावों को संयोजित किया है, जय रे जय रे जय जय प्रभुपाद आरती निहारी नित्य सेवा दान। तो आपकी जो आरती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी रचना होती है जो लेखक है उसका उसमें क्या होता है, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद मंगलाचरण। तो ये जो मंगलाचरण का इनका जो पहला पद है इसमें तीनों चीजें उन्होंने दी, वस्तु निर्देश, मंगलाचरण और आशीर्वाद आत्मा। ये जाय 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 प्रभुपाद आरती निहारी योग बालक मायापुर नित्य सेवा दान करें। यहाँ पे इन्होंने मंगलाचरण के रूप में इस पद को आरंभ किया, हम लोग अभी इसका गान भी करेंगे, और उसमें उन्होंने वस्तु निर्देश किया कि प्रभुपाद जी की आरती के दर्शन करने मात्र से क्या हुआ, उनकी सेवा करना, उनसे संबंधित होना, ये तो बहुत दूर की बात है। उनकी आरती के दर्शन मात्र से क्या होगा, योग मायापुर नित्य सेवा दान करे। तो ये आशीर्वाद उन्होंने दिया कि जो योग मायापुर है, मायापुर धाम, ये योग मायापुर ब्रज धाम, उसमें नित्य सेवा दान करे, आप उनकी आरती दर्शन करेंगे, वो आरती उनकी ऐसी कृपा मिलेगी कि आपको इस धाम की नित्य सेवा प्रदान कर देंगे।
तो ये अद्भुत जो महापुरुषों के हृदय से निकले हुए उनकी महिमा है, ये सुनिया सिद्धांत सरा चित्ते लागे चमत्कार उतारी। तो ये अद्भुत जो वस्तु निर्देशक पर मंगला शरण वाले और आशीर्वाद पर, ये आशीर्वाद परम गुरु जी ने दिया कि प्रभुपाद जी की आरती आप दर्शन कर लोगे। और एक और बात, जब प्रभुपाद हमारे परम गुरु जी ने गोड़िय पत्रिका आरम्भ की थी, प्रभुपाद जी गोड़िय पत्रिका संचालन करते थे अपने समय, प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद कुछ काल तक पत्रिका बंद रही। गोड़िय विज्ञान समिति की स्थापना करने के बाद हमारे परम गुरु जी ने धीरे धीरे जो कार्य बंद थे, धाम परिक्रमा, गोड़िय पत्रिका, प्रचार, ग्रंथों, ये सब शुरू किया। जो प्रथम गोड़िय पत्रिका प्रभुपाद जी ने, परम गुरु जी ने प्रकाशित की थी, उसमें उन्होंने प्रभुपाद जी के सिग्नेचर, उनके हस्ताक्षर को छपाया था। उसमें उन्होंने आशीर्वाद करा, ये जो प्रथम पत्रिका उनके हस्ताक्षर को लेके जिस किसी के भी घर में जाएगी उसका अनंत काल तक कल्याण होगा। तो इस प्रकार की गुरु निष्ठा और ऐसी भावना के साथ उन्होंने जगत को प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी के संबंध में अनंत अनंत कथाएं, उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। हम अनंत काल तक भी करते रहे तो भी अंत नहीं है। तो मैं यही कहकर विराम देता हूँ, उनके चरणों में पुष्पांजलि के रूप में हम लोग प्रार्थना करेंगे महाराज जी से। भविष्यवाणी एक दिन ऐसा आएगा, संपूर्ण पृथ्वी में गली गली में
सारे सारे में कभी सुखी है या लोग मर गए एक दिन ऐसा आएगा सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए कहते हैं वाणी को जद्यपि महाप्रभु ने जिस भक्तों के द्वारा जितना कराना चाहिए था उतना मैंने करवाया, लेकिन यह वाक्य को क्या करें यदि ये वाक्य को अगर जगत में संपूर्ण रूप में कोई अगर फलीभूत किया तो किसने किया है? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद किया। इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञा श्रील केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी बात बता जिसको सुनकर मैं भी शंका में पड़ गया था। वो कहते थे अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं कहते एक तराज लेकर के उनकी अवदान विशिष्ट अगर एक तरफ में रख दिया जाए अगर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अवदान विशिष्ट को अगर पल्ले के दूसरे तरफ में रख दिया जाए आप देखोगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो पल्ला है वो भारी पड़ेगा। जो भी शंका भी पड़ेगा तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब कितने सारे आचार्य आए और कितने सारे साधु जगत में कितने आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभुपाद का अवदान मतलब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के बोलते थे इनकी अवदान पल्ला भारी पड़ेगा। सचमुच से जिसको महाराज कहते थे अभी तक जितने बड़े बड़े आचार्य लोग आए हैं बड़े बड़े कहते इन लोगों ने जो प्रचार किया है जैसे शंकराचार्य किया है महाराज बोल देते प्रचार किया लेकिन कभी कभी राजकोष को लेकर के उन्हें कभी राजकोष को लेकर के उन्होंने प्रचार किया और कभी कभी राजा का मदद को लेकर के प्रचार किया लेकिन प्रभुपाद ने साधारण बच्चों को हरिनाम दे करके कहना घरे घरे पाठाला गौरे पाठाला घरे घरे। इसलिए उन्होंने जैसे महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोले सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास आमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश चार दिन का तारे का कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु उसी तरह प्रभुपाद जी कैसे उन्होंने बच्चों को द्वारा प्रचार करवाए गले में एक छोटी सी बक्स बना देते थे गले में लेकर के लटका कर घर घर में जाते थे उसका चाबी रहता था प्रभुपाद के पास और जो कुछ पैसा देते थे उसमें पैसा को लेकर के और घर घर में है उनका जो शिष्य लोग थे घर घर में जा करके इन लोगों ने कैसे प्रचार किया है। हम सुनते हैं ब्रह्मांड कारित शक्ति धरे 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 जने जने लेकिन जो ब्रह्मांड कारित शक्ति धरे जने जने लेकिन आप देखोगे प्रभुपाद के शिष्यों में ये चीज दिखाई पड़ता है प्रभुपाद का शिष्य में दिखाई पड़ता है। जैसे सचमुच से कहते फले न परिचयते कहते वृक्ष की महिमा कैसे पता चलता है फल से फल के द्वारा वृक्ष की महिमा पता चलता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी वृक्ष रूप वृक्ष में जो एक के जो फल आए हैं वो साधारण फल नहीं ये साधारण फल नहीं ये अद्भुत एक एक फल है। हमारे सारे गुरुवरों का नाम लेकर के देखो है भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज को देखो मेरे गुरुपाद पद देखो भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज को देखो हमारे श्री बन महाराज को देखो श्रीधर महाराज को देखो सारंग गोस्वामी महाराज और विशेष करके हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को जो फल उसमें आया है वो अद्भुत एक पुष्प फल है एक दिव्य फल है। इसलिए कहते फल ना परिचय इसमें जो फल फला वो कोई साधारण फल नहीं। इन लोगों ने जिस तरफ में गए हाँ जिस तरफ में इन लोगों ने गए भक्ति की बाढ़ लिया भक्ति को उन्होंने बाढ़ ले आए। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का जो पहला कारण है जगत में कलियुग धर्म है हर नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिदानंद
जगत में हरिनाम संकीर्तन हो और प्रभुपाद ने केवल प्रचार किया इतना बात नहीं, कहते आचार करेंगे केवल ना करें प्रचार और प्रचार करेंगे केवल ना करें आचार और आचार प्रचार नामे कर द्वी कार्य तुम्हें सब तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत राज्य। अगर ये शब्द को ये प्यार को अगर संपूर्ण रूप में भली बुद्ध किसमें होता है भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के जीवन में स्पष्ट रूप में दिखता है। इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन में तीन तीन लाख हरिदास करते थे। अब देखो जो सोलह माला करते हैं ना सवेरे से लेकर के रात में तो सोलह माला करते खत्म नहीं होता। ये सोलह माला करते हैं सवेरे से लेकर शाम तक देखते सोलह माला हमारी खत्म नहीं होता है। और एक लाख अगर कोई हरिदास करेगा फिर तो उसको छब्बीस घंटा पर छब्बीस घंटा तो पूरा हरिनाम में लगा रहना पड़ेगा सिर्फ रात को सोने से पहले। और जो तीन तीन लाख हरिनाम करते हैं जो तीन तीन लाख मैंने बारह साल तक उन्होंने जो सतकर्ण जो नाम यज्ञ किया है भैया आप देखना हमारा एक लाख नाम पर तो अंगुल दर्द हो जाता है जीवा दर्द हो जाती है लेकिन लेकिन उनको लेकिन जब नाम स्वयं जीवा में कहते नाम अमन उदित है भगत गीता सामने इसलिए उनका जीवा में स्वयं नाम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमें कष्ट लगता है लेकिन उनका ऐसे नहीं और उन्हें अपरित रूप में जो तीन तीन लाभ उन्होंने हरिनाम किया है इसलिए हरिनाम किया जो जितने जिसको जितना साधन जिसकी जितने कठोर होना उसके प्रचार की जगत में उतना ही बढ़िया होता है जगत में उतना ही जगत में प्रचार भी उतना बढ़िया होता है। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का पहला कारण क्या हो गया जगत में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना है और महा उसी वाणी को संपूर्ण रूप में साकार किसने किया है जितने भी सब लोग किए हैं लेकिन देखो कि मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद स्वयं किए और अपना शिष्यों को भी दे दे करके उन्होंने सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। कहते महाप्रभु का दूसरा कारण क्या है कहते अदर पीत चरे चिरा करुणया प्रतिर्ण कलो समर्पई तो उन्नत उज्जल रसा स्वभक्ति श्री महाप्रभु इसलिए आए थे राधा रानी की निकुंज सेवा दान करने के लिए इस जगत में महाप्रभु जगत में आए हैं और राधा जी की बाल्यदासी भाव देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद के सारे उपदेश को देखो उनका कैसा आठ उपदेश हर जगह पर उन्होंने बताए उनके रूपानुभव श्री रूप गोस्वामी की चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र धाम्य है। इसलिए प्रभुपाद का जो उपदेश प्रश्न उत्तर उसका जो पहला जो अब देखना उसका जो पहला प्रश्न है कहते कृष्ण की सेवा को संपूर्ण रूप में कौन प्राप्त कर सकता है कृष्ण सेवा को मतलब केवल श्री राधा जी की अनुगत्य में श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में जो सेवा करते हैं तभी उनको पूर्ण रूप में कृष्ण की कृपा तभी पूर्ण रूप में मिल सकती है एक नहीं मिल सकती है। इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए प्रभुपाद बारंबार ये बात बताए बोले जो चीज जगत में मैं देने के लिए आया था वो चीज तो मैं दे नहीं पाया। प्रभुपाद जो चीज जगत में देने के लिए आया था दे नहीं पाया क्यों ये जंगल काटते काटते ही मेरा जीवन चला गया केवल जंगल काटते काटते मेरा जीवन चला गया। अब वास्तव रूप में जो भागवत में बताया भूतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा जहां पर चार जगह पर अधर्म जता अधर्म चतुर्विधा अगर ये काम को परिपूर्ण जगत रूप में अगर जगत में कोई स्थापन किया ना आप देखोगे दूसरे दूसरे संप्रदाय में देखो दूसरे चाय पीते गुटखा खाते हैं बीड़ी फूंकते हैं दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग अब देखना ऐसे कोई संप्रदाय जो चाय नहीं पीता है जो चाय पीते हैं जो चाय पीते हैं सारे संप्रदाय हमारे गौड़ीय संप्रदाय बाबा जी को देख लो वो भी गुटखा लेते हैं चाय पीते हैं सबके सब। इसलिए किसने श्रीला प्रभुपाद किसने आकर तो बोले जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद का इतना प्रचार था ऐसे इनकी वाणी थी इनके भक्त लोगों ने ऐसे ऐसे प्रचार किया था उसी समय पर जितने सारे आवल बावल नेड़ा नेड़ी सखी लेकी दरवेशाई जितने सारे अप संप्रदाय उस समय में कांप उठे थे। प्रभुपाद ने जो एग्जीबिशन दिखाया क्या एग्जीबिशन दिखा रहे थे
वो प्रभुपाद देवदेव सिंह दिखाया कैसे उसी समय में कैसे शिष्य लोग अपना गुरु जी को जो जात गोसाई मछली बेट दे रहे पूरा उन्होंने एग्जीबिशन प्रभुपाद दिखाया कैसे कि जगत का गुरु कैसे है जो शिष्य गुरु जी का आज गुरु जी घर में आए सबसे बढ़िया मास इलिश मास ला आज इलिश मास ला गुरु जी की सेवा में लगा ऐसे प्रभुपाद ने उन्होंने दिखाया एग्जीबिशन ऐसे ऐसे एग्जीबिशन दिखाया इसीलिए प्रभुपाद का समय में इनको मारने के लिए जान से क्यों कोशिश की उसी समय में एक तरफ में मायावाद जिन्होंने बताया ना हमें भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जब तक ये मायावाद रहेगा तब तक जगत में शुद्ध भक्ति प्रचार हो ही नहीं सकती इसलिए उन्होंने ये मायावादी जीवन को उन्होंने परम गुरु लिखे मायावादी जीवन को पूरा उन्होंने लिखे अद्भुत रूप में लिखे एक तरफ में मायावाद है दूसरे तरफ में सहजियावाद है ये जो सहजियावाद है जो आते ही लड्डू मंजरी और उसको जलेब मंजरी रसगुल्ला मंजरी आते ही जिनको अभी शौच क्रिया भी जिनको पता नहीं हाँ शौच के बाद में कैसे हाथ धोने चाहे जो पता नहीं बस आते ही बस उसको सीधा मंजरी भाव एकादश भाव दे देते हाँ एकादश भाव पूरा पूरा उसको दे देते ले अभी भी वृंदावन में एक संप्रदाय निकल गया वो पीला कपड़ा पहन के घूमते सब के सब ये एक तरह का सखी भेकी है वो संप्रदाय एक तरह का सखी भेकी लड़के लोगों को पीला कपड़ा दे दिया सर में कपड़े ढक करके बस गोपी बन गए दूसरे दिन बाद में कुछ दिन बाद में और एक गोपी को ले लेते खुद गोपी बन गए इसलिए इस सबके सब ये अपसंप्रदाय सबके सब है ये सबके सब अपसंप्रदाय सबके सब है और लोग उसमें बड़े भीड़ बोले भैया वृंदावन में बड़ी भीड़ है बोले सबके सब गोपी भाव दे रहे सबके सब पीला कपड़ा बैठा करे पुरुषों को भी लड़की ये सबके सब अपसंप्रदाय सबके सब है ये सारे अपसंप्रदाय एक दूसरे तरफ में ये सहजियावाद और तीसरे तरफ में समान को जात गोसाई है हमारे पूर्वज कोई गोस्वामी आए थे उनका जो लड़के को लड़के लड़के बने कहते नहीं हमारे पूर्वज में गोस्वामी आए थे हम भी गोस्वामी है भले इसका कोई नियम पालन नहीं करे एक तरफ में समान को जात और चौथा तरफ में अवतार था आपको पता है हमको भगवान कितने बंगाल में तो जैसे खेती में बीज बोते हैं ना ऐसे भगवान 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 महाप्रसाद से भगवान निकलते हैं हैं राम कृष्ण भगवान बाल कृष्ण भगवान अनुकूल भगवान 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 ये एक तरफ में ये भगवान बाद है हैं अवतार बाद प्रभुपाद सारे चीजों को प्रभुपाद ऐसे खंडन कर रहे थे सारा दुनिया सब कांप उठे हिंदी प्रचार को देख करके इसलिए किसी ने आकर के प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद अगर आप दो चीज अगर छूट दे दोगे ये पृथ्वी का जितने सारे संप्रदाय सबके सब आपका संप्रदाय खा जाएगा जगत में और कोई संप्रदाय रहेगा नहीं और सचमुच से भविष्यवाणी मैंने सुना है जगत में और कोई संप्रदाय रहेगा नहीं एक ही गौड़ीय संप्रदाय रहेगा सचमुच से आप वृंदावन में कहीं जाकर देखो ना आप वृंदावन में कहीं जाकर देखो जहां देखो ना गौड़ीयत लग रहा है जहां देखोगे हर तरफ में गौड़ीयत लग रहा है गौड़ीयत लग रहा है सबके सब वृंदावन में ज्यादा कर देखो इसलिए जितने हमारे अभी गौड़ीय संप्रदाय है जितना प्रचार प्रसार अभी इसका इतना ज्यादा जितना ही प्रसार प्रसार है ही जगत में इसलिए इसलिए प्रभुपाद बोले बोले दो चीज छूट दे दो बोले क्या है बोले कि चाय और एक बीड़ी कहते ये दो चीज को छूट दे दोगे पृथ्वी का सारे संप्रदाय आप तो आकर के आपके संप्रदाय में ही मिल जाएंगे लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोले बोले एक चंद्रमा की मेरी जरूरत है हजार तारों की मेरी जरूरत नहीं एक चंद्रमा क्या करता है सारा दुनिया को आलोक कर देता है लेकिन हजार तारे कुछ भी नहीं कर पाते इसलिए हमें भैया एक शिष्य हमें चाहिए जो कि सारा दुनिया को आलोक कर दे प्रभुपाद की ऐसे वाणी थी इसलिए प्रभुपाद ने बताया मैं तो जिंदगी भर जंगल काटते 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 मेरा जीवन चला गया दो चीज में देने के लिए आया था नहीं दे पाया इसलिए मेरे गुरुदेव प्रभुपाद का जीवन बहुत अच्छे जीवन जीते इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं कहते प्रभुपाद कौन है बोले महाप्रभु की ये दया शक्ति है महाप्रभु की ये दया शक्ति कहते ये श्रीमद श्रील प्रभुपाद है इसलिए कहते प्रभुपाद कहते उनकी जो अनर्थ युक्त व्यक्ति उनको एक रूप में देखे और अनर्थ जो मुक्त है उनको और एक स्वरूप में देखे बोले अनर्थ युक्त व्यक्ति उनको किस रूप में देखे बल्कि इनको इसी रूप में देखे कहते ना नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम
साधारण लोग उनको देखे कितने जैसे दूसरे जैसे सरस्वती, प्रभु बता रहे थे ना वो दूसरे जैसे सरस्वती जैसे विद्वान तथा कभी तो जितने विद्वान मिल करके उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो उनकी उपाधि तथा कथित विद्वान लोग मिलकर उनको दिया। जिस समय उनको एक अयनाथ शब्द लेकर के किसी ज्योतिष विभाग का जो प्रिंसिपल था उनको साथ उनको तर्क वितर्क हुआ, प्रभुपाद उन्होंने ऐसे विचार दिया जिसको सुन सुन करके चेयर में बैठ बैठ कर उसने पायखाना पेशाब कर दिया। कहते प्रभुपाद विचार सुन कर उसने पायखाना पेशाब कर दिया, ऐसे प्रभुपाद विचार दे रहे प्रिंसिपल था। इनकी विचार को सुन करके उस समय में बोले भैया ये जो आसन है ना आप ही इसे आसन में बैठ सकते हो, इसलिए प्रिंसिपल पद तो आप लो। प्रभुपाद क्या बोला है, बोले मैंने ईंट पत्थर तारा को गिरने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का प्रेरित होकर के महाप्रभु का वाणी का एक पियन हूँ, जगत में महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार करने के लिए मैं आया। और उनको बोले इसी जगत में अब जब तक रहोगे ये कुर्सी में आपका सिवाय इसमें कोई नहीं बैठ सकता, ये कुर्सी खाली रहेगा। सचमुच से वो कुर्सी प्रभुपाद के लिए खाली रहा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं साधारण लोग उनको किस रूप में देखे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूप में देखे, दूसरे सरस्वती विद्यार्थी सरस्वती रूप में उनको देखे। कहते उनको जो अनर्थ जो मुक्त जो उनको किस रूप में दिखे उनके लिए श्रीभास भार ने भी दे दी दैदाय कृपा। इसलिए कहते ना वृषभानो सुता दैतायनो चरम चरना परिवेश
कैसे सुंदर परिवेश, कमल फूल खिली हुई भीनी भीनी, हाँ सुंदर मीठी मीठी हवा रह रही है, कैसे मंजरिया सखी उनका आ रहे पूरा जो पूरा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो गौरी अम्बाटी राधा रानी के निकुंज में हैं पूरा के पूरा। इसलिए यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से ट्रेनिंग मिलेगा ना बस नौकरी वहाँ पर ले जाएगा। इसलिए हमारे हमारे श्री परमेश्वर प्रभु हमारे परमेश्वर प्रभु जो किसी विषय में जो स्ट्रीट की पूरा के पूरा नहीं मंगलारती में आना ही पड़ेगा। हम देखते थे महाराज का समय में मंगलारती में गुरुदेव आकर पीछे खड़े हो जाते देखते थे कौन आया कौन नहीं आया। जो नहीं आज सोया ना गुरुदेव से लेकर सीधा माए डालते और उसको लात मारते थे गुरुदेव लात मारते थे। हाँ इसलिए ये चीज को कभी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। मंदिर में आए आरंभ में नहीं आए कथा में नहीं कीर्तन कभी भी नहीं। अगर इस चीज को कंप्रोमाइज किया ना मठ नहीं माठ बन जाएगी पूरा पूरा। इसमें एकदम कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने जहां जहां देख रहा है कंप्रोमाइज किया वो मठ डूब गया पूरा पूरा डूब गया वो मठ नहीं रह गया माठ बन गया। इसलिए इसी विषय पर जो परमेश्वर सृष्टि के कीर्तन कथा में आओ हमारे किसी गौड़ी बड़े प्रभु नहीं इतना कठोर नहीं है। इसलिए प्रभु परमेश्वर प्रभु का आप लोगों पर बहुत कृपा है। अगर जिस समय हम मंदिर में आए अगर हमको ऐसे अगर कोई श्लोक सिखाते खड़े करते ना हमको चिड़ जाते तुम लोग आसानी से मिल रहे हैं इसलिए तुमको चीज पता नहीं चल रहा है। कहीं भी पृथ्वी में भी कहीं इतनी अच्छी चीज शिक्षा नहीं है जैसे प्रभु जी आप लोगों को शिक्षा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कहते गोलोक वृंदावन को मैंने इस जगत में राधा रानी के निकुंज महल को मैंने उतार दिया। कहते इसलिए प्रभुपाद जगत में क्या देने के लिए आए महाप्रभु जो चीज को देने के लिए आए थे प्रभुपाद वही चीज को देने के लिए आए और उन्होंने दिया है। यद्यपि ऊपर से दिखता है हम वैद्य व्रत की पालना कर रहे हैं वैद्य व्रत में प्रभु जी ने एक अच्छी बात बताई अमल प्रभु जी ये सब के सब राग भक्ति हम पालना कर रहे हैं दिख रहा है ये वैद्य व्रत है ये वैद्य व्रत नहीं ये सब के सब राग भक्ति प्रभुपाद राग भक्ति प्रभुपाद ने दिया सब के सब। कहते जगत में महाप्रभु आने का जो तीसरा कारण है वो तीसरा कारण क्या है अद्वैत आचार्य जी ने उनको तुलसी और गंगा जल देकर उनका आह्वान किया। कहते उसी तरह प्रभुपाद को किसी ने आह्वान की भक्ति में ठाकुर जब भक्ति मनोहर ठाकुर ने उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने लिख दिया हाँ सारे ग्रंथों की रचना की। अब भक्ति मनोहर ठाकुर सोच रहे हैं अगर इसको कोई प्रचार करने वाले नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे नहीं तो इसे दिमाग आ जाएगा सारे ग्रंथों को दिमाग चाट जाएंगे। इसलिए उन्होंने जीव की दुर्दशा को देख करके उन्होंने श्री विमला देवी से उन्होंने प्रार्थना की आप तो जगन्नाथ जी की शक्ति हो जगन्नाथ जी की आप शक्ति हो इसलिए ऐसे एक संतान मुझे दो जो कि भविष्य में महाप्रभु का वाणी का प्रचार और प्रसार कर सके। इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या रखा था विमल प्रसाद। इसलिए प्रभुपाद अपने शिष्य को कहते हैं भैया विमलता ये साधारण शक्ति की ये प्रसाद कैसे हुए कहते विमला को एक सखी मंजरी है ये इनके प्रसाद श्री प्रभुपाद उनके प्रसाद श्री प्रभुपाद। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी से अद्वैत आचार्य आह्वान करने पर जगत में श्रीमान महाप्रभु आए। कहते उसी तरह श्री कमल मंजरी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आह्वान से ही जगत में श्रीला प्रभुपाद जगत में अवतरण हुए। कहते कि चौथा कारण किया महाप्रभु आने का बोले राधाया प्रणाम महिमा की दर्शन जन अद्भुत मधुर दिया जैसे महाप्रभु जी जगत में राधा रानी के प्रेम माधुर्य को आस्वादन करने के लिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जब प्रभुपाद जब राधा कुंड में है जब वो तो नयन मणि में जैसे राधा रानी नृत्य करकर राधा कुंड को बीच में बैठ करके जो भजन करते थे कहते उनके शरीर में जो दिव्य भावना प्रकट होता था हाँ भजन करते समय दिव्य जो भावना प्रकट होता था बोले कोई कोई व्यक्ति वो चीज को समझ पाता था हाँ ये समझ पाते थे कैसे वो नित्य नयन मणि मंदिर रूप में कैसे अपना सिद्ध स्वरूप को वो कैसे आस्वादन करते थे और चीज को सब नहीं पकड़ पाते थे कोई कोई विशेष विशेष उनका जो भक्त थे वो चीज को समझते थे प्रभुपाद किस दिव्य भाव में प्रभुपाद उसमें विभावित है। इसलिए जैसे महाप्रभु चार कारण को लेकर के आए प्रभुपाद भी जगत में चार कारण को लेकर के आए और महाप्रभु ने जो निर्देश दिया गोस्वामियों को कितना निर्देश दिया था उनको चार आदेश दिया था। पहला आदेश क्या था कहते जितने लुप्त जितना विग्रह है उसको प्रकाशित करो। इसलिए प्रभुपाद ने
लुप्त विग्रह को अलुप्त विग्रह मतलब प्रभुपाद ने 64 की भक्ति के आग गए, 64 भक्ति के आग गए, इसलिए प्रभुपाद ने कितने गौरव मत स्थापन किया है, उन्होंने 64 उन्होंने गौरव मत स्थापन किया है। गौरव मत स्थापन करते हुए सारे विग्रह को, केवल इतना नहीं उनका जितने शिष्य को घर में भी उन्होंने ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया। यदि ये पहला कारण है, दूसरा कारण है कैसे लुप्त तीर्थों को उद्धार करना, इसलिए श्री प्रभुपाद ने क्या किया उन्होंने, जैसे गोस्वामियों ने कृष्ण जैसे जैसे गोस्वामियों ने क्या किया, कृष्ण कृष्ण लीला को स्थल प्रकटित किया, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने भी उन्होंने कौन सा जगह को स्थापन किया है, महाप्रभु लीला को उन्होंने प्रकाशित किया है, लीला स्थलियों को जैसे जैसे एक बताओ, एक है बताओ कौन सा स्थान, स्थापन किए और श्री राय रामानंद का जो संवाद था महाप्रभु का वहाँ गौड़े मठ स्थापन किए, और जो चंपक घाट प्रयाग में प्रयाग गौड़े मठ स्थापन किए, और उन्होंने श्री जो गौर गदाधर चंपक घाटी में उन्होंने उसको स्थापन किए, और मदोद्रम दीप मदोद्रम वृंदावन दास ठाकुर का मदोद्रम दीप, ऐसे ऐसे वहां पर नाम दिया है, इसलिए जैसे महाप्रभु का जो लीला स्थली जो धीरे 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 लीला स्थली अंतर्ध्यान हो रहा था, प्रभुपाद ने आकर पुनः फिर उन्होंने सारे गौड़ीय पट को वहीं वहीं पर गौड़ीय पट को उन्होंने पुनः जगत में स्थापन किया, और उन्होंने सूत्र ग्रंथ को प्रभुपाद का जो हरिकथा ग्रंथ है और उनका जो अनुभाष्य है प्रभुपाद का जो अनुभाष्य और उनका भक्तिदावली और जो अलग अलग जगह पर जो टीका प्रभुपाद ने लिखे है, तो प्रभुपाद ने अनंत अनंत रूप में उन्होंने कितने अच्छी अच्छी हरिकथा बोले, कहते पुनः उन्होंने भक्ति धर्म को भक्ति धारा को जगत में पुनः अपलाए, इसलिए भक्ति प्रबंध पूरी गोस्वामी महाराज कहते हैं, कहते सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम उपहार अल्पतन, कभी ये बात को अगर किसने जगत में पूर्ण रूप में दिया होगा प्रभुपाद ने दिया, वो कहते हैं जैसे भागवत श्रव देखो ये एक पंचांग भी भागवत श्रव गौड़ीय मठ में देखो नित्यम भागवत सेवया, जो बता नित्यम भागवत सेवा गौड़ी हर गौड़ीय मठ में क्या हो रहा है, नित्य ही भागवत सेवा हर समय गौड़ीय मठ में भागवत कथा होती है। दूसरा जो भक्ति का साधु संग साधु संग मंदिर में साधु संग सफर से लेकर रात का साधु संग साधु संग छोटा कुछ है ही नहीं साधु संग, और जो तीसरा है कहते साधु संग श्री मूर्ति श्रद्धा सेवा हर गौड़ीय गौड़ीय मठ में उन्होंने क्या किया विग्रह को उन्होंने स्थापन किया है, विग्रह को स्थापन करके उन्होंने क्या किया नित्य जो ठाकुर को जो सेवा पूजा नित्य उन्होंने सेवा की, और चौथा साधु संग नाम संकीर्तन गौड़ीय मठ में नाम संकीर्तन छोड़ दिया सोच रहे थे, यहाँ पर तो हमारे ब्रह्मचारी लोग मैंने सुना मंगल आरती पहले ही 16 माला करते थे अच्छी बात है इसलिए अच्छी बात इसलिए कहते 16 माला कर लेते इसलिए कहते ये नाम संकीर्तन और मथुरावास पूरा अब तो मथुरा ही वृंदावन वृंदावन ही वाला कर रहे, इसलिए प्रभुपाद ने हर धाम धाम में उन्होंने क्या किया पूरा पूरा गौड़ीय मठ स्थापन किया, इसलिए भक्ति प्रबंध पूरी गोस्वामी महाराज कहते हैं अगर हमें ये जो पांच तरह का भक्ति का अंग जिसको थोड़ी सी जाजन करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, अगर पूर्ण रूप में अगर जीव कोई अधिकार दिया किसने दिया है कहते श्रील ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने जीव को ये संपूर्ण रूप में ये सेवा की उन्होंने अधिकार दिया है, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बड़ी विशेष बात किया है। अभी तक जो जो आचार्य लोग आए हैं आप उनको देखोगे किसने किसने बोल दिया था हम कभी जिंदगी में चेला ही नहीं बनाए, ऐसे कुछ संत जो भजन आनंद रहे, और अगर कोई अगर शिष्य बनाए एक आध कोई उन्होंने शिष्य बनाए, और जो शिष्य बनाए अधिकारी व्यक्ति को अधिकारी को नहीं किया है उन्होंने केवल अधिकारियों को ही उन्होंने क्या की केवल उन्होंने अपने नाम दीक्षा को मंत्र दिया है, लेकिन हम लोग जैसे
एकदम जो धीरे हुए व्यक्ति, एकदम पतित व्यक्ति, जिसमें भक्ति में जिसका कोई अधिकार है ही नहीं, इसलिए किसने प्रभुपाद बोला प्रभुपाद आपका जो वो ब्रह्मचारी था ना, वो ब्रह्मचारी तो घर में चला गया। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले जो गया तो गया, उसके लिए तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, अभी तक तो जो है अभी तो कैसे है अभी भी तो यही सोच रहा हूँ। बोले अभी तक कैसे अभी तक मत में है, यही चीज को मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मत में रुका हुआ है। मतलब प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं, प्रभुपाद जो भक्ति ना जिसको रूप गोस्वामी कहते दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ भक्ति है, सचमुच से भक्ति सुदुर्लभ। इसलिए मेरे जो गुरु जी कहते थे, मेरे गुरु जी कहते थे भैया हम पूरा हम बहुत कुछ बात सुने, मान प्रणय राग बहुत सारी बात सुनते हैं, कहते हमारे पल्ले की बात नहीं है, ये हमारी चीज नहीं। गुरुदेव बोलते थे, मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, इसी तरह से एक जीवन मिलजुल करके ठाकुर का सेवा करते हुए हरि भजन करते हुए किसी तरह से एक जीवन बिताओ। वो कहते एक जीवन किसी तरह से बिताओ, मेरे गुरुदेव कहते थे कम से कम तुम्हारे संस्कार तो बने। हमें भी कोई देख रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ जितने मंदिर में से ब्रह्मचारी आते थे 99% चले गए, और 1% जो रुके हैं ना अभी बहुत कठिन से रुके। मैं जिस जब से मैं मंदिर में आया हूँ जितने मेरे समय में जो ब्रह्मचारी आए थे जो 1% से रुके हुए, इसलिए मेरे गुरु जब कहते भैया जो कर रहे हो अभी वही करते रहो, एक जीवन इस तरह से तिलक माला हरिनाम कहती भजन करते रहो, अगर एक जीवन ऐसे बीत गया, मेरे गुरु जी कहते तुमने बहुत कुछ करके गए हो। कहते क्यों, हमारे जो संस्कार है, क्योंकि संस्कार के बगैर कुछ होता ही नहीं, संस्कार के बगैर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए पहले संस्कार गुरुदेव कहते थे पहले इस जीवन में संस्कार बनाओ, गुरु वैष्णव ठाकुर का सेवा करते हो संस्कार बनाओ, फिर ये संस्कार थे हाँ दिन दिन बढ़त सवाल, फिर ये संस्कार तुम्हें दूसरे जीवन में फिर मदद करेगा भजन। हाँ भक्ति कितने दुर्लभ, लेकिन ऐसे जो अनधिकारियों को व्यक्तियों को अगर कोई भक्ति में कोई अधिकार दिया है ना, किसने दिया है, ये केवल प्रभुपाद दिए और अभी तक किसी ने भी ये सब चीज को दिए नहीं, अनधिकारी व्यक्तियों को अधिकार दे करके। इसलिए कहते बादाम चाप और गैया कैया की प्रभुपाद खाते कहते, अगर इतने बढ़िया बढ़िया बादाम चाप बढ़िया चावल की बंगालियों की चावल मिल जाए तो भगवान मिल गए। कहते किसी तरह से कहते भैया एक बढ़िया बढ़िया प्रसाद, देखो एक आप किसी संसार में जाओ, आप किसी संसार में जाओ क्या खाता है, देखो एक कोई सूखा रोटी होगा, एक कोई दाल होगा उसमें भी खाता है, मंदिर में देखो 4-5 तरह का सब्जी है, एक रसा है, एक दाल है, सूखा सब्जी, चाटनी, परमान्न, अन्न, रोटी, दिन में 7-8 तरह का प्रसाद ठाकुर, इतने खा कर भी तभी मंदिर में रहना नहीं चाहते। तभी मंदिर में नहीं, और घर में जाएंगे सबका लाभ उठाएंगे, बीबी का, बच्चे का, परिवार का, सबका ताले से उठाएंगे, हमें संसार चाहिए। इसलिए अगर कहीं अनधिकारी व्यक्तियों को अगर जिसने भक्ति में अधिकार दिया है ना, केवल उसने प्रभुपाद ने दिया और किसी ने किसी को नहीं दिया, इसलिए राधा रानी जैसे दयालु सचमुच से कहती राधा रानी का निज जने ना, इसलिए करुणा पूर्वी करुणा मरते राधा रानी की जो करुणा की विग्रह है इसके लिए प्रभुपाद। और एक प्रभुपाद चीज भी है, कहते पहले जो है ना एक माया है छोड़ो 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 छोड़ो, लेकिन प्रभुपाद कहते छोड़ना नहीं जोड़ो, छोड़ना नहीं क्या करो जोड़ो, इसलिए तार मालिक केवल जादव विषय विषय के द्वारा करह विषय क्या विषय के द्वारा करह सेवन। इसलिए जैसे सुंदर मंदिर बनाया, किसने प्रभुपाद को बोले बोले आप ये मंदिर क्यों बनाया, आप तो पेड़ को नीचे रख कर भजन कर सकते हो हैं, और इतने सुंदर कारपेट बिछाया चेयर क्यों लगाया, प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए नहीं तुम लोगों के लिए किया है, अगर मैं पेड़ को नीचे बैठता ना तुम कभी वहां पर नहीं आते, इतने सुंदर बनाया चेयर लगाया तभी तुम बाबू भैया को प्रभुपाद कहते, तुम बाबू के लिए मैंने सब काम किया है, मेरे लिए नहीं किया तुम लोगों के लिए, मैंने ये सब काम तुम लोगों के लिए किया है, अगर तुम लोगों के लिए नहीं करते ना। मंदिर में देखो यहाँ पर हर कीचड़ 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 पानी गर्म पानी है, और कितने सुंदर घर है, कारपेट बिछा है, कितने बढ़िया सब है, तब भी नहीं रहते तो पेड़ को नीचे रहते भाई आते भाई, इसलिए प्रभुपाद ने ही प्रभुपाद ने ही ये सब चीज
बद्ध जी को प्रति जुट दिया हम जैसे व्यक्तियों को। मैं जब खुद सोचता हूँ मेरे गांव कहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हो, किसी गांव के कोने में एकदम पूरा हमारे गांव में अगर कोई स्कूटी आ जाती थी ना भरभर सब सब गाँव के सारे बच्चे आ जाते थे, गाँव में कोई स्कूटी आया है देखने के लिए आ जाते। हम ऐसे ऐसे गाँव से और यहाँ पर जो बैठे हैं भाई अमेरिका लंदन जापान पता नहीं रसिया रसिया साफ समुद्र पार हो गए, हम कभी भी वृंदावन में सेवा कुंज में बैठे करके यहाँ पर आपस आपस में हरी चर्चा कर सकते हैं। क्या कोई सोच सकता है ये कहाँ से ये कहाँ से ये कहाँ सब कुछ कहाँ 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 कहाँ। इसलिए अगर हम जैसे अनधिकारी व्यक्तियों को अगर भजन में कोई अधिकार दिया तो केवल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये चीज हमें दिया। इसलिए हम सब के सब उनके चरण में ऋणी है, इसलिए उनका बहुत सारी कथा है, इसलिए वो सब हम सबको ऊपर में कृपा करें। आप लोग उनसे प्रार्थना करो इसी तरह से एक दिवस गुरु वैष्णव की सेवा करते करते भगवान की भक्ति करते करते हमारी अगर एक जीवन अगर किसी तरह से बटने बीत गया तो समझो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया है। ठीक है बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की बोले सपरिवार प्रभुपाद की सीताई गौर मानंदे हरि हरि Thank you.